नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेंद्र। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिजिटल विजिटिंग कार्ड। जी हाँ, गूगल की तरफ से एक नया फीचर है जिसको उसने नाम दिया है पीपल कार्ड, या फिर कह सकते हैं डिजिटल विजिटिंग कार्ड। तो ये एक तरह से एक विजिटिंग कार्ड की तरह आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को गूगल पे स्टोर करना है एज अ विजिटिंग कार्ड, और कोई आपके नाम को गूगल पे सर्च करे तो वो आपका एक विजिटिंग कार्ड के फॉर्म में आपकी इन्फॉर्मेशन को शो कर दे तो कितना अच्छा हो। तो गूगल ने यही किया है। गूगल कहता है कि वो जमाना भूल जाए जब दो लोग अपना विजिटिंग कार्ड शेयर करते थे, अब वो जमाना हो गया पुराना क्योंकि अब है डिजिटल का जमाना। तो आज के दौर में गूगल कहता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन गूगल के सर्वर पे सेव करें, एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाएं जिसे वो पीपल कार्ड कहता है, और वहां पे उसके बाद अगर आपका नाम कोई गूगल पे सर्च करेगा तो वो आपका डिजिटल विजिटिंग कार्ड शो करेगा। तो कैसे आपको डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाना है वो सारी इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए आपको चाहिए क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल का अकाउंट। उसमें जाने के बाद आप अपने क्रोम ब्राउजर में जो सर्च बार है उसमें सर्च करें एड मी टू सर्च। करने के बाद जो पहला लिंक आएगा आपका नाम लिखा होगा, नीचे लिखा होगा गेट स्टार्टेड। में जाने के बाद वो आपकी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, आप किस कंपनी में काम करते हैं, आपकी हॉबीज क्या है, आपका अकाउंट, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका फोन नंबर, जो भी इन्फॉर्मेशन आप उसमें शेयर करना चाहते हैं वो सारी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद होगा क्या कि आपका एक डिजिटल कार्ड बन जाएगा, और नेक्स्ट टाइम कोई भी आपका नाम गूगल पे सर्च करेगा तो आपका ये डिजिटल विजिटिंग कार्ड उसे शो होगा। तो यानी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ पे उसको डायरेक्टली मिल जाएगी। तो इस तरह आप अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड भी बना सकते हैं और लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। और आप इस तरह से अपना बनाएं और कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि आपका डिजिटल विजिटिंग कार्ड का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और बनाकर आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।